Parliamentary Affairs Minister and MP from Arunachal Pradesh, Kiran Rijiju, on Wednesday said that the first session of the 18th Lok Sabha is expected to begin on June 24th and the newly elected members of the lower house of the parliament are likely to swear in on the first 2 days of the session. Former Union Minister and BJP lawmaker Radha Mohan Singh is expected to be picked as the pro tem speaker on the third day of the session. The President is expected to address the House on June 27 and the economic survey is likely to be tabled on July 3. The full budget is expected to be presented on July 22. In light of the event, Kiran Rijiju underlined his support for PM Modi's mantra of Sabka Saath Sabka Vikas on Wednesday and said that the people of India have elected them to fulfill their aspirations and it is their duty to serve the nation. मैं आज के दिन में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश का जनादेश मैंडेट ऑफ द पीपल देश के जनता ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करना है जिसको सरकार में बैठ करके काम करने का संदेश और निर्देश जनता ने दिया है उसको सरकार अच्छी तरह से चलाना है जिसको विपक्ष के भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है उसको सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना है चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सबका योगदान चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए पार्लियामेंट में हर एक मेंबर का रोल है छोटे छोटे पार्टी भले ही एक सांसद एक ही एमपी हो उनका भी उतना ही रोल है जो बड़ा पार्टी का रोल है हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए पार्लियामेंट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाना इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संसद इसको अच्छा से चलाएं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा मौका जैसे देना चाहिए नियम के मुताबिक राज्यसभा में हमारे अध्यक्ष होंगे लोकसभा में जो स्पीकर होंगे दोनों के गाइडेंस में और प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि विजन है उसके हिसाब से हम अच्छा संसद का सत्र चलाएंगे ऐसा हम उम्मीद रखते हैं इसलिए इसमें ऑपोजिशन रूलिंग रोल अलग अलग है मकसद एक है देश का सेवा और पार्लियामेंट में अच्छा बहस हो कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए ये देश का अपेक्षा है इसलिए मैं मानता हूं कि सब लोग मिलकर के योगदान करेंगे और जो आगामी लोकसभा राज्यसभा का सेशन होगा उसमें सब लोग मिलकर के हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे मेरा अपेक्षा है आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूं कि हम सबका दायित्व है कि देश का जनता ने हमको भरोसा जताया है देश चलाने के लिए और मजबूत लोकतंत्र होने के लिए बहुत अच्छा वाइब्रेंट पार्लियामेंट होना जरूरी है इसलिए अच्छा पार्लियामेंट चले यही हम सबसे अपेक्षा है He also mentioned that Parliament is the perfect platform to discuss, debate and deliver issues to fulfill the aspirations of 140 crore Indians.